देखिए आप लोग, संस्कृत और हिंदी का जो वर्ण विचार होता है लगभग लगभग सेम होता है। शर्त ये होता है कि जो संस्कृत होता है संस्कृत में शुद्ध व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में पूर्ण व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं। शुद्ध और पूर्ण में फर्क होता है। जैसे हमने लिख दिया, देख लो थोड़ा सा, जैसे हमने लिख दिया क के नीचे हलंत और यहाँ पे लिख दिया क, तो कहते हैं कि जो शुद्ध व्यंजन होता है उसका उच्चारण वगैरह नहीं होता है, लेकिन पढ़ने और लिखने और समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। ये इस समय क्या है, पूर्ण व्यंजन है। अच्छा, इसमें अ नहीं मिला हुआ, अ माइनस है इसमें, और इसमें अ क्या है, प्लस है। तो ऐसा करते हैं कि इस वाले का उच्चारण करेंगे तो अ नहीं आना चाहिए। क्या कर सकते हैं, कितना भी आप कोशिश कर लो लेकिन अ थोड़ा बहुत आ जाता है, इसीलिए ये कहते हैं कि इनका उच्चारण नहीं कर सकते। बट यहाँ पे बोलू क, तो क के नीचे क्या है, अ है। फीडबैक कौन दे रहा है, अ दे रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं, वर्ण किसे कहते हैं बताइए आप लोग, थोड़ा बहुत जो कुछ भी आता हो, 1%, 2%, 4%, 5% बोलिए, वर्ण किसे कहते हैं। एकदम सही बात, जिसे नष्ट ना किया जा सके। और कुछ, जिसे नष्ट न किया जा सके उसका पर्याय बना करके बोलो, तोड़ा नहीं जा सके, और अरे वाह, और आप बोलेंगे कुछ, ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। किसे, ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे क ख ग घ ङ च छ झ च छ ज झ या अ आ इ ई, ये सब जो भी है ये क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया, ये स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसको ना तो तोड़ा जा सकता है, ना तो घटाया जा सकता है, ना तो गुणा किया जा, ना तो भाग किया जा सकता है। ये जैसे रहता है, जहाँ पे भी प्रयोग कर दिया जाए इसका, वो वहीं जा करके बैठ जाता है। तो परिभाषा लिखेंगे इसका, पता तो है ही, क्या करेंगे, लिख लीजिए। को जिसका खंड ना किया जा सके, जिसका खंड ना किया जा सके, जो स्वतंत्र हो वर्ण कहलाता है। अब चलिए कुछ फैक्ट लिखते हैं, ठीक है, लिखिए। संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 50 होती है। आज शंकर भगवान का दिन है, आज झूठ नहीं बोलना कोई, ठीक है, भूखे उखे हो आप लोग, अभी तो भूखे हैं नहीं, जब तक नौकरी मिल जाए तब तक भूखना नहीं, खा पी के हर एक पूरा भजन कीर्तन किस पे, पढ़ाई पे। अब जी अभी इनकी शादी हो गई, कह रहे हैं भूखे कभी नहीं भूखना चाहिए। श्रद्धा अपने मन से होनी चाहिए, अपने माता पिता का एकदम सेवा करना चाहिए, और अच्छे से समझो कि जब तक हम लोग पढ़ाई करते हैं उस समय हमारे माता पिता हमारी पढ़ाई होती है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर अच्छे से हमने पढ़ाई के प्रति कर लिया तो समझो सबसे बड़ी श्रद्धा है। जिस दिन जान जाएंगे माता पिता, काल मास्टराइन बन गई हमारी बेटी या बेटा, तो फिर देखो उनके बोले तो न रहे, चार दिन बैठी हमार बहनी यह जाए पढ़त रही, वह जाए पढ़त रही, ऐसी पढ़त रही, तो उनके ज्ञान भी जाता है। देखा करो आप लोग, भाव बदल जाता है उनका, कुछ नहीं जिक्र आवत रहे, वह अच्छा बोली बी ए करत रही। हम देखे हैं, जान रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है, आगे चले। वर्ण हो गया, संस्कृत में टोटल वर्णों की संख्या 50 होती है। आगे चलो, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, कौन कौन से, प्रथम पुरुष लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों लिख लो। हो गया,
लिखिए आगे। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, कौन कौन से? मेरा लास्ट ही क्लास है ना, समय नहीं मिल पा रहा था, जा करके धीरे धीरे समय में निकाला 8:30 बजे, नहीं तो मैं वही आता 10:45 वही सोच, लेकिन आप लोग भाग जाते थे तो 2-3 दिन तो मुलाकात ही नहीं हो पाई, पढ़ा ही नहीं पाए। चलिए अब 8:30 बजे ही आया करेंगे, हो गया। आगे लिखिए, वचन हो गया। संस्कृत में तीन लिंग होते, कौन कौन से लिख लो। हम आप लोगों को इसके जब ये चीज़ खत्म हो जाएगा वर्ण विचार, तो इसके बाद मैं आप लोगों को वचन पहचानना, लिंग पहचानना कैसे क्या होता है ये सब भी बताऊंगा, ठीक है, हो गया। तो ये कॉमन चीज़ है। 5-10 लकार होते हैं संस्कृत में, कितने लकार होते हैं लिख लो। पढ़ना कितना पड़ता है? 5। कौन कौन से? सब लोग अपने मन से लिखेंगे, इधर उधर कोई नहीं देगा, सबको विद्या का समय है, इधर उधर कोई नहीं देखेगा। हाँ हाँ बस 5 ही लिखो, और का 10 थोड़ी बोल रहे हैं, जिसको नहीं आएगा हमसे पूछेंगे। हो गया, 5 लिख लिए। बेईमानी तो नहीं किया आप लोगों ने? 4 को लिख लिए। बोलो, लृट लकार ना, भविष्य काल वाला। आप लोग देखो, कुछ करो नहीं है, इधर देखो। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। अच्छा 2 चीज समझो, कोई भी व्यक्ति हो जब अच्छे से कपड़ा पड़ा पहनेगा दिखने में कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, और जब कपड़ा नहीं पहने रहेगा? आदमी देखिए, आदमी आधार है, कैसे बनता है, कैसे मान लो ये आदमी, अगर ये खूब अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहने रहेगा खूब अच्छा दिखेगा, लेकिन जब कपड़ा नहीं रहेगा तो पागल दिखेगा ना। तो ये 2 चीज में समझो कि ये कहते हैं कि सुनो, मैं एकदम पहना एकदम सब डेंट पेंट से रहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कहते हैं भैया हो, जब तक ये मेरा सहयोग नहीं देंगे तब तक मैं खड़े होने के लायक पे नहीं रहता हूँ। तो ईश्वर कहता है कि जब भी मेरा उच्चारण कहीं भी किया जाएगा तो फीडबैक मैं ही देता हूँ। हमारी जितनी भी संख्या है, अगर आप मेरा उच्चारण करेंगे तो मैं अपने नीचे मैं ही आऊंगा। बोलो आ, तो आ के नीचे क्या आया? आया। अगर हम बोल रहे हैं आ, तो आ के नीचे आया कि नहीं? ई, इसके नीचे कौन है? अब यहाँ कहते हैं भैया ऐसा है कि आप चाहे जो भी कर लो, आप बोलो देखो कौन आता है। तो 2 चीज निकल के आता है कि स्वर कहता है कि मुझे किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, मैं अपने आप स्वयं से उच्चारित हो जाता हूँ, ठीक है, स्वर की परिभाषा। व्यंजन कहता है भैया हो, जब तक स्वर हमारे पास आएगा नहीं, जब तक मेरा वो सहयोग नहीं करेगा तब तक मैं बोला नहीं जा सकता। कन्फर्म हुआ? स्वर किसे कहते हैं बताओ आप लोग? हाँ, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, किसी और दूसरे की सहायता नहीं लेता है। और व्यंजन, अब देखिए इस स्वर को क्या कहते हैं और इस व्यंजन को क्यों कहते हैं? अच क्या है? प्रत्याहार है। तो इस अच के अंतर्गत कुछ आता होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही थोड़ा सा जान लेते हैं, जो सीटेट टेट में अक्सर पूछता है, यही तक पूछता है। देखो
अब लिख लो प्रत्याहारों की संख्या कितनी, लिख लो, सबको पता है, लिख लो प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। कितने भागों में बांटा गया है, 14, लिख लो। देखो प्रत्याहार कलंक निर्माण, सबको पता है प्रत्याहार कैसे निर्माण होता है, एक व दो, बस सब लोग प्रत्याहार का निर्माण जैसे कभी भी जब स्टार्टिंग होती है तो ये समझिए इसे बोला जाता है इत संज्ञक, क्या बोला जाता है, इत संज्ञक वर्ण बोले जाते हैं। देखिए इनका जब भी प्रत्याहार का प्रयोग किया जाए या बनाया जाए तो इनका कोई भी महत्व नहीं रहता है, लेकिन एक शर्त है कि जब ये लिखा जाता है प्रत्याहार के लास्ट वाले वर्ण में इनका प्रयोग होता है, लेकिन ये सब गिने न जाते हैं न तो लिखे जाते हैं। और कहां से स्टार्ट होता है, देखिए यहां से कभी भी प्रत्याहार नहीं स्टार्ट होता है जिनके नीचे हलंत लिखा होता है, ये ई से स्टार्ट हो सकते हैं, ऊ से स्टार्ट हो सकते हैं, री से स्टार्ट, कहीं से भी, लेकिन लास्ट वाले वर्ण में जिसपे हलंत होता है वो रहता है। जैसे यहां पर हमने लिख दिया अकर, देखिए अ यहाँ है और क यहाँ है, तो इसका मतलब है इस प्रत्याहार में जब वर्णों की संख्या हम लोग खोजेंगे तो सबसे पहले जहां से स्टार्ट होता है वहां उसको लिख लिया जाता है, अ हमने लिख लिया। अब हम ये देखेंगे इस अ और क के बीच में जिनके अंदर हलंत नहीं होगा वो वाले वर्ण हम लोग लिख लेंगे। तो कौन कौन से वर्ण है बोलो, और तो संस्कृत में मूल स्वर हरस स्वर कितने होते हैं, यही है। एक सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ, अब देखिए यही बात होती है, कह रहे हैं कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण है अगर उनके समान वर्ण आ जाते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, यही है ना, ये आ हो जाएगा, ये बड़ी, ये बड़ा, ये क्या हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगा, री तो रहते ही। अब यही संधि का नियम है, ये यही कहता है ना, इको यड़ा जैसे ई को इक प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते होंगे ई का या उ का व री का ऐसे हो जाता है। तो ये जो सूत्र बनाए गए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक आपको माहेश्वर सूत्र नहीं याद होंगे प्रत्याहार बनाना नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो देखिए अक प्रत्याहार, अगर हमने कहा इक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है बताओ, बोलो ई उ, इसके पहले वाले में दिया था जो टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा था इक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या। अब देखिए हम लोगों को मेन चीज पे चलते हैं, अच अच में बताओ कितने वर्ण आएंगे, बोलो एक लोग बताओ भैया, अ यू री ली ए ओ आए, जोड़ लो कितना हुआ टोटल, हुआ तीन, तीन छा। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर को अच क्यों कहते हैं, प्रत्याहार हो गया निर्माण करना आ गया सबको, पूछे हम हैं उक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, पक्का, चलिए अब देखिए, अब आप लोग लिखिए संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, अगला लिखिए संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है,
संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। अब दो फैक्ट बातें, अगर वो पूछता है कि संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या तो कितना बताएंगे आप लोग? 13। लेकिन उन्होंने केवल पूछ लिया संस्कृत में स्वरों की संख्या तो 9, या उन्होंने पूछ लिया पाणिन के द्वारा बताए गए स्वरों की संख्या तो 9। यही पाणिन ने तो अच को स्वर कहा था, समझ गए कि नहीं? ये पाणिन ने कहा था स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल। और हल में अगर पूछेगा हल में क्या होता है, तो हल में बराबर लिख लो समस्त व्यंजन। हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? समस्त व्यंजन, जितने भी व्यंजन होते हैं सभी व्यंजन किसमें आ जाते हैं? हल प्रत्याहार में आते हैं। और अच प्रत्याहार में टोटल वर्णों की संख्या 9 होती है, और पाणिन के द्वारा बताए गए स्वरों की संख्या बराबर कितनी होती है? 9। कौन कौन से होते हैं? ये यही अज प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और ये 9 बताए। पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है? अष्टाध्याय में कौन सा समास है? चलिए ठीक बात, अष्टाध्याय स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है, ठीक है, अपवाद है ये, दिगु समास का अपवाद है। चलिए वो जब पहुंचेंगे वहां पर तब बताएंगे। ये चीज समझ में आ गया, आगे चलें। चलिए स्वर के भेद लिखिए। संस्कृत में अयुग्मवाह कितने होते हैं? 4 होते हैं जी। ये पूछा था आप लोग, अच्छा ये बताइए टिटका आप लोग सॉल्व वो नहीं देखते हो? जो अगली बार अभी टिटका वो पेपर हुआ था तो उसमें आप लोग ध्यान नहीं देते हो क्या? अरे कोई भी परीक्षा ले करके देखा जाता है कि आयोग ने कहाँ तक इस चीज़ को पहुँचाया, कहाँ तक कैसे पूछते हैं, उस चीज़ को, उस पद्धति को देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसा प्रश्न उठाते हैं, कैसी मेरी तैयारी होनी चाहिए। बिना देखे आप लोग बस ऐसे ही तैयारी चालू? अरे टेट सीटेट दोनों का देखा जाता है, उसको समझा जाता है, ठीक है। तो वर्ण, चलिए स्वर, सबसे पहला कौन सा स्वर होता है बोलो? दूसरा, तीसरा और श्रेणी से बाहर थोड़ी है, ये भी साथ में रहता है जानते चलिए। अच्छा ये एक चीज और, इन सब चीज को समझने से पहले एक चीज और देखो आप लोग, एक में एक जोड़ दो कितना होता है? होता है ना। अगर हम इस एक नीचे आ लिख दें और फिर एक नीचे आ लिख दें बराबर क्या होगा? आ होगा। इसका मतलब एक मात्रा, इसका भी मतलब एक मात्रा, इसका मतलब ना। अगर हम कहें कि अ बराबर कितनी मात्रा, आ बराबर दो मात्रा। अगर हम कह दें कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए एक मात्रा का प्रयोग होता है वो ह्रस्व होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व होते हैं। तो आप लोग ढूंढिए कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं कि जिनमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। बोल, एक मात्रा की बात है, ठीक है। अ, ई, उ, जैसे आपने अच्छा ठीक है ए लिख दिया, ए मिलता है अर्धन ई से, एक मात्रा ये, एक मात्रा ये बराबर कितनी मात्रा? तब बोलो री और ये बात समझ में। तो टोटल हर स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी? 5। और हिंदी में पता है री नहीं, वो री नहीं रहता है, आई यू री रहता है, और वहां पे हिंदी में जो होता है इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और लेकिन संस्कृत में इनकी संख्या 5 होती है। कंफर्म हो गया ना? अब आप लोग ढूंढ के बताइए ऐसे वर्ण जिनको बोलने में भाई 2 मात्रा का समय लगता हो। ये कहता है भैया कि हमें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, ओ,
के आए हो आओ समझ गए आप लोग। इनकी संख्या कितनी? दो दो चार दो छह दो आठ। और हिंदी में कितनी होती है? हिंदी में कितनी? सात होती है। कौन नहीं रहता? री। समझ गए ना फर्क? बताते चल रहा हूं यहां पे दीर्घ स्वरूप क्यों। देखिए ये अधन टू से मिल के बनता है, बनता है कि नहीं? एक मात्रा ये प्लस एक मात्रा ये बराबर कितनी मात्रा? दो मात्रा। इसका मतलब ये दीर्घ स्वर है। कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर। अच्छा अगर उन्होंने पूछ लिया आ कौन सा स्वर है तो, अगर लिरी पूछ लिया तो, अगर ए पूछा तो, समझ गए। अब आते हैं कौन से स्वर? फ्लू। ये कह रहे हैं कि दो से अधिक मात्रा होनी चाहिए। कितनी मात्रा होनी चाहिए? दो से अधिक। अब हम लोग यही तो जानते आए हैं क्या? यही होता है ना। तीन मात्रा कैसे? दो मात्रा ये, एक मात्रा ये, देखो अधन उ बराबर क्या वन वन प्लस कितने हो गए? दो। इसकी भी मात्रा बनेगी ये पता है, थोड़ा सा समझिएगा। ये अ होता है लेकिन ये पूर्ण रूप हो जाता है, एक सूत्र होता है। जैसे हमने यहां पे लिख दिया सह अपि, विसर्ग का उ बनाने का नहीं। जब विसर्ग के बाद हरस्व हो, हरस्व सर हो, हरस्व स्वर है कि नहीं अर, तो ये विसर्ग जो है किसमें बदल जाता है? उ में बदल जाता है। किसमें? उ में। और उ और जब अज, जब उ में अ जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ये नियम है कि नहीं? अभी यहां लिखे हैं यार ओ का अधन उ बराबर क्या ओ होता है। अब देखिए जब विसर्ग के बाद हरस्व स्वर अ हो तो ये बताइए, हमने कहा कि ये जो विसर्ग होता है किसमें परिवर्तन हो जाता है? उ में। जब उ में परिवर्तन हो गया और यहाँ पे क्या है, कौन सा स्वर है? अ है, तो अ में उ जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? ओ। तो ये ओ किसके साथ लगेगा? स के साथ। ये हो जाएगा क्या? सो। अगर हमने कहा को अपी, बताओ इसका विच्छेद क्या होगा? कहधन अपी। समझ गए आप लोग? आगे चलते हैं। अनुच्छेद में कौन सा वो संधि है? संधि में कौन सी संधि है बोलो? संधि में कौन सी संधि? अच्छा ये बताइए, जब हम लोगों के घरों में शादी होती है तो पापा के उम्र वाले क्या कहते हैं? जैसे हमारी शादी हो गई, हमारे जो पापा है और हमारी औरत के जो पापा हैं, दोनों लोग क्या होंगे? समधि। तो अब देखिए संधि को कैसे तोड़ते हैं। देखो संधि है ना, ये उपसर्ग पढ़ी हुई है, पढ़े कि नहीं? ये अपदांत अनुस्वार है। क्या है? अपदांत अनुस्वार। अब थोड़ा सा देखिए, कहते हैं कि जब अपदांत अनुस्वार के बाद किसी भी, अब देखिए यहां पे कौन सा वर्ग काम कर रहा है? त वर्ग काम कर रहा है कि नहीं? तथा दधा न। तो इस अपदांत अनुस्वार के बाद कोई भी वर्ण का, किसी भी वर्ण का कोई भी वर्ण हो, तो इस वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या है? है कि नहीं भाई? है ना। जैसे हमने लिख दिया संतोष, संतोष कह रहे हैं ना। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे सम उपसर्ग काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? तोस, खाने वाला, चाय के साथ। देखिए समधन तोस। अब त वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है? न है ना। तो देखिए यहाँ पे म पे हलंत लगा हुआ है, तो जो न हम लोग लेंगे वो क्या होगा? हलंत वर्ग।
वाला होगा। अगर यहाँ पे हलंत नहीं होता तो यहाँ पे भी हलंत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हलंत है तो यहाँ पे हलंत। अब देखिए सम मैं किसमें बदला न, तो ये बताइए संतोष मिला कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए संधि है तो सम में ये ध है, ध का पंचमा अक्षर क्या है न है, तो यहाँ पे हलंत है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हलंत लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा संधि बनेगा कि नहीं बोलो बजरंगबली की जय। तो ये ओम लिख लो, बोलो तो स्वर लिख लो ओम। चलिए अब संयुक्त स्वर बताइए आप लोग, इनमें से संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए आए, ओ, धन्यवाद। किन किन से मिलके बना है बताइए? आधन, बहुत सही, ये आधन बड़ी, फिर उसके बाद आधन, फिर उसके बाद आधन, हम बता रहे हैं सर। यहाँ पे देखिए हम लोग अभी आगे पढ़ते आए हैं कि अ माने कितनी मात्रा, तो यहाँ पे केवल अ पे एक मात्रा बढ़ाने के लिए ए में क्या जोड़ देंगे अ जोड़ देते हैं, यही लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। और जो कह रहे हैं आप लोग ये काम करता है संधि में काम करता है कि अगर अधन ई हो तो क्या बनता है ए, अगर अधन बड़ी बनता है तो भी क्या बनता है ए ही बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं। ये होता है नियम कि अगर अ के बाद छोटी ई आए तो ए बनता है, चाहे अ के बाद बड़ी ई आए तो भी क्या बनेगा ए बनेगा, समझ रहे कि नहीं। ये संधि में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो स्वरों की देखिए ये अक्सर पूछ भी लेता है कि अ किससे मिलके बना है, ए किससे मिलके बना है, अ किससे मिलके बना है, तो यहाँ पे देख लो कि ए किससे मिलके बनता है अधन ई से, है अधन ए से, ओ अधन उ से, ये चीज कंफर्म हो गया अधन ओ से बना है और ई बड़ा हो रहा नहीं, बड़ा ऊ नहीं रहेगा, अधन ओ से औ बनता है, अधन बड़ा ऊ नहीं हो सकता नहीं संधि में कार्य करेगा वो, समझ रहे कि नहीं, नहीं काम करते। यहाँ पे केवल लॉजिक ये है कि इस ओ को एक मात्रा देने के लिए एक मात्रे वाले स्वर को जोड़ दिया जाता है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, व्यंजन लिखिए। बहुत होते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखिए नया नियम बना है, ऐसे लिख दिया, आलाप नहीं करते हैं अब यहाँ पे खाली क बोल दो, क्या बोल दो क, तो क का मतलब केवल क में एक ही मात्रा की बात हो रही है क, अगर हम बोले क तो इसका मतलब ये हो गया कि क का आलाप कर रहे हैं, क का उच्चारण की दो से अधिक बार कर रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे हैं, समझ आए कि बात नहीं। जैसे हमने लिख दिया रा, जैसे ऐसे लिख दिया, अभी ये कुलुत स्वर नहीं है, ये हम कह रहे हैं राम, अगर हम बोलते राम तो ये किस श्रेणी में आ गए प्लूट वाले श्रेणी में आ गए, तो आप ऐसे लगाते चले जाओ गुरु वाला सिस्टम, जितनी बार चिल्लाओ बढ़ाते चले जाओ ये प्लूट वाले श्रेणी में आते चले जाएंगे, समझ गए कि नहीं। ये होता है नियम, अगर ऐसे यही राम को देखिए हम लोगों ने किसमें कर दिया प्लूट में कर दिया, तो आप लोग वहां पे देखिएगा जब गुरु का ये चिन्ह आ जाए तो आप लोग वहां पे खुद समझ जाएंगे किसी चीज का दो से अधिक बार, यहाँ पे तीन लिखा है तो इसका मतलब का उच्चारण कितनी बार तीन बार, दो से अधिक बार हो गया, इस समय कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे फ्लूत वाली श्रेणी में, ठीक है। आगे चलिए वर्ण को, सॉरी वो लिखिए व्यंजन। व्यंजन व्यंजन को कौन से प्रत्याहार से पुकारा जाता है, हल में कौन कौन से वर्ण आते हैं,
सभी पूरा व्यंजन आते हैं। तो कभी भी इसमें हल में अगर पूछ ही लेता है भैया हल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो समस्त व्यंजन आते हैं। अब लिखिए थोड़ा फैक्ट बात लिखिए, देखिए संस्कृत में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। सबको पता था है? हिंदी में कितनी होती है? पक्का सोच लो, सोच के बताओ। गिनो, गिनाइए गिनाए, पक्का गिनाओ। हम स्पर्श, अच्छा ठीक, कुल टोटल 33 ही जानते हैं कि नहीं आप आज तक आप लोग? अच्छा ये बताइए स्पर्श व्यंजनों की संख्या संस्कृत में कितनी और हिंदी में? पक्का वित्तीय कसम था, झूठ बोला जाते हैं थोड़े से, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। हिंदी में 25 होती है स्पर्श व्यंजनों और संस्कृत में? नहीं चाहे उच्छिप्त बोलो चाहे द्विगुण बोलो, हिंदी में प्लस हो गया है। समझ गए? एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कितना पता है इस समय? 27। तो अगर वहां पे आ जाता है 27-25 नहीं है तो 27 सही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अच्छा दोनों दे दिया, 25 दे दिया और 27 भी दे दिया, एनसीईआरटी की बुक में है ये। अगर ये लगा देंगे ये भी सही है, अगर ये लगा देंगे ये भी, क्योंकि ये तो भाई पढ़ते लिखते आज तक पढ़ पाए हैं, ये भी, तो दोनों पे हलवा हो जाएगा, एक नंबर सबको मिल जाएगा। तो अगर वो अच्छा इनका प्रयोग जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या है ये, अगर यहीं पे लगा दें तो दो गुण लेके चल रहे कि नहीं? जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या है ये, है कि नहीं? अगर यहाँ पे ये लगा दें तो यहाँ पे डाउड है, जो बिंदी लगी है ना दोनों का उच्चारण, इसीलिए तो द्विगुण व्यंजन बोला जाता है सड़क। इस ड में ड को जोड़ दिया गया, इस बिंदी को यहाँ पे देखिए ढक्कन था पहले, अब क्या ढक्कन हो गया, तो द्विगुण लेके चले, इसीलिए तो उच्छित बोला जाता है, इसीलिए तो द्विगुण कहा जाता है इसको। तो अब देखिए अगर हिंदी में पूछता है टोटल स्पर्श को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये पता था कि नहीं पता था? लिख लो, नहीं पता है तो फिर थोड़ी मिलेगा। तो संस्कृत में टोटल वर्णों की संख्या 33 होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं व्यंजन के प्रकार, पहला बताइए आप लोग, दूसरा दूसरा बोलिए, तीसरा, अच्छा उस माने जलना तपना, हैं सोच समझ के बताओ, हैं बोलो भाई,
चलिए अब देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ जान लो, अगली बार जो टेट की परीक्षा है तो उसमें पूछा था संस्कृत में कितने आयुर्वाह होते हैं, तो कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? समझ गए ना? अंग अह जिह्वा मूली और उपधमानी, ये चार क्या होते हैं? आयुर्वाह। अगर हिंदी में पूछेगा तो दो। कौन कौन से? अंग और अह। अच्छा इनका प्रयोग किसके साथ होता है? आयुर्वाह का प्रयोग किसके साथ होता है? स्वर और व्यंजन दोनों के द्वारा, दोनों लोग ढोते हैं। किसको ढोते हैं? आयुर्वाह। समझ में आया कि आयुर्वाह का प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के ऊपर होता है, और जिसके ऊपर लग जाता है अर्थ बदल देता है। जैसे अ के ऊपर लगा दो अनुस्वार, अंग हो गया, है कि नहीं? अकित और उसके ऊपर लगा दो अंकित हो गया, सजना संजना हो गया। तो लगाने पे अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, और ढोता कौन है? स्वर और व्यंजन होते हैं। अब देखिए अंतःस्थ कहां पे स्थित है? ये अंदर स्थित है। ऐसे कौन कौन से वर्ण है कि जो हम लोग उच्चारण करते हैं तो सीधा हृदय से निकलते हैं? क्या क्या? य र ल व। अच्छा अगर ऐसे लिख करके आ जाए तो ये किसका डिनोट? ये हिंदी वाला हो जाएगा। कौन सा व्यंजन हो जाएगा? हिंदी वाला अंतस्थ व्यंजन। लेकिन जब संस्कृत की बात आती है तो संस्कृत में हमेशा शुद्ध वर्ण का प्रयोग किया जाता है, शुद्ध व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। आई बात समझ में? अगर उन्होंने पूछा अंतस्थ वर्ण है यार अलावा नीचे एक पे हलंत लगा दिए, अगर हिंदी में पूछेगा तो ये चीज नीचे लगा नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो संस्कृत में पूछता है तो इसके नीचे लगा रहेगा। तो जिसके नीचे लगा रहेगा वही आपका टिक सही हो जाएगा। ओके अच्छा अर्ध स्वर भी होते हैं। क्या होता है अर्ध स्वर? कौन कौन से? ये भी जान लो भैया। उसमें तपन जिसमें हो, बोलो जल्दी। श श स है। तीनों का उच्चारण बताया था कि नहीं उस दिन? हाँ ये कहते हैं भैया हमें जब बोलेंगे ना सी टू टी मत मारिएगा, समझ रहे हैं? स सीता। ये कहते हैं भैया जब हमें बोलोगे थोड़ा सा सीटी जरूर मारना। शर ये बोले जितना दम हो। शर ठीक है। अच्छा कहीं कहीं इसको ख पढ़ा जाता है ना, ना खटकोण, जैसे ख टकोण, वो हम बताएंगे आप लोगों को। स को ख कब पढ़ा जाता है? पढ़ा जाता है हम लोग ख ख बोलते हैं, दम खटकोण खटकोण बोलते हैं। और लेकिन वहां पे खटकोड़ हो गया शुद्ध लगता है, अच्छा लगता है बोलने में। खष्टी को षष्ठी, खष्टी कोई बोलता है कोई षष्ठी बोलता है, बताएंगे उसको, टेंशन नहीं। आगे चलते हैं। ये कौन सा व्यंजन है? कितने होते हैं? छ त्र ज्ञान एक चीज और जानो आप लोग, इस वर्ण विचार में आपको एक नंबर जरूर मिल जाता है कि बोल देगा निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है या निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। तो छत्रंग्या ये चार होते हैं और इन किससे मिल के बने होते हैं ये भी बताता है। वैसे जो है कि हमारे बुकों में कितने प्रकार से दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पर चलो इसको बाद में लिख दिया, जैसे हमने लिखा छ, छ के नीचे हलंत लगाया, फिर हमने लिखा छ, फिर हमने लिखा छ, दिखाई दे रहा है मैं तोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया क धन स, दूसरे में तोड़ रहा हूँ तो लिख रहा हूँ क धन स धन ह, तीसरे में हम लिख रहा हूँ क धन स। अब हमने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सही? तीनों सही। सोच समझ के बताना। हाँ तीनों सही है। नीचे वाला सही था? तीनों सही है। सामने आ गए नीचे वाला। सर पहला सही
ये हिंदी वाला है तोड़ करके, ये संस्कृत वाला है, और ये भी सत्य है चाहे जिसमें जोड़ दे। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखिए ये जो छह है, छह में अ मिला हुआ है ना, यहाँ पे छह में अ नहीं मिला हुआ है, यहाँ भी छह में अ मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस श को इस श में ऐसे लिख के इसको जब तोड़ेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? शधर अ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, तो ये सत्य है। ये वाले में देखिए ये भी शुद्ध व्यंजन, ये भी शुद्ध व्यंजन, यहाँ पे स्वर हमने जोड़ दिया, ये भी सही है, और ये भी, तो ये पहले से ही याद है, इसमें स्वर की बात नहीं की गई, लेकिन ये भी दोनों आधे होंगे, तो तीनों सही लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम संस्कृत वाला हम लोग बात कर रहे हैं, तो संस्कृत वाला होता है क धन ष, ये होता है त धन र, ये होता है ज धन इया, ये होता है स धन। तो कल के लिए होमवर्क पूछ लेंगे, कल आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि जिह्वा मूली व्यंजन क्या होता है और उपधमानी क्या होता है, और कल उच्चारण स्थान भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये संस्कृत वाला उच्चारण स्थान याद कर लिया तो हिंदी और संस्कृत का दोनों का सेम होता है। अगर हिंदी में पूछेगा उच्चारण स्थान एक नंबर, संस्कृत में पूछ लिया तो दो नंबर, दो नंबर ये बनेगा। वर्ण विचार अगर यही अच्छे से समझ लिए, यही तो सेम है ना, कोई चीज़ परिवर्तन, हाँ ह्रस्व स्वर में परिवर्तन है और दीर्घ स्वर में परिवर्तन है, वहाँ पे चार होते हैं और सात होते हैं, यहाँ पे पाँच और आठ होते हैं बस। ओके, तो कल अब इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे, बस यहीं हम लोग अपना कार्य समाप्त।